हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ़ यू इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पावर इंजीनियरिंग का जो यूनिट नंबर वन है उसमें जितने भी सारे टॉपिक है सब उसका मैं यहाँ पे ओवरव्यू देने वाला हूँ और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देख के ज़रूर जाना कि इससे क्या होगा कि जितने भी सारे टॉपिक है उसका जो आपका रिविज़न है एक वीडियो में हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन क्या होता है ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में ठीक है हीट इंजन क्या करेगा आपका जो फ्यूल के पास जो केमिकल एनर्जी है ठीक है वो जलने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें हीट एनर्जी में समझ रहे हो तो ये हीट इंजन करेगा क्या ये कैसा डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को इनटू थर्मल एनर्जी और इस थर्मल एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें मतलब ये आपका पिस्टन को रेसिपरेट करवाने में मतलब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होता है और इंटरनल कम्बशन इंजन होता है एक्सटर्नल कम्बशन का मतलब होता है कि आपका जो दहन होगा भैया वो कहाँ पर होगा भैया इंजन के बाहर होगा और इंटरनल में होगा कहाँ पे इंजन के अंदर होगा तो अगर बात करें इसका एग्जाम्पल तो स्टीम इंजन हो गया स्टीम टर्वाइाइन प्लांट जो होते हैं वहाँ पर जो कोयला वगैरह जलाया जाता है वो आपका इंजन के बाहर जलाया जाता है ठीक है और जलने के बाद उस हीट को यूज़ किया जाता है तो उसी तरीके से इंटरनल कम्बशन इंजन में समझ में आ रहा है कि जो कम्बशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होगा इंजन के अंदर होगा जैसे कि हमारा जो जितने भी सारे आप ऑटोमोबाइल देखते हो टू व्हीलर हो गया ठीक है ट्रक वगैरह हो गया ये सब सारे के आपके ये सारे आपके इंटरनल कम्बशन इंजन है अब हम लोग बात करते हैं इट कैन बी क्लासीफाइड इं टू फॉलोइंग टाइप्स ठीक है किसकी बात कर रहे हैं आइस इंजन की क्योंकि मेरा जो टॉपिक है भैया वो इंटरनल कम्बशन इंजन है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन ठीक है रोटरी इंजन जैसे टर्बाइन हो गया और अगर हम लोग बात करें रेसिप्रोकेटिंग में जो हम जहाँ पर हम लोग सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है ठीक है फ्यूल के बेसिस पे पेट्रोल पे पेट्रोल पेट्रोल इंजन होता है डीजल इंजन और गैस इंजन गैस जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और गया और लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया सी एन ठीक है अल्कोहल इंजन और मतलब ये आपका एडवांस्ड वर्जन आप बोल सकते हो फ्यूल का जैसे इथेनॉल मीथेनॉल का भी हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं टू स्ट्रोक इंजन होते हैं अगर इग्निशन ऑफ द फ्यूल मतलब फ्यूल जो जलने की प्रक्रिया मतलब किस मेथड से करवाते हो तो स्पार्क इग्निशन जिसको हम लोग ऐसा इंजन बोलते हैं जो पेट्रोल इंजन होता, पे होता है इसी पे बेस्ड होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन इसको हम लोग सीआई इंजन बोलते हैं ये डीज़ल इंजन जो होता है इसी पे बेस्ड होते हैं अब साइकिल मतलब जितने भी सारे जो हमारे इंजन होते हैं वो किसी न किसी एक साइकिल पे वर्क करते हैं जिनको वर्किंग साइकिल होता है प्रैक्टिकली तो अगर हम लोग ऑटो साइकिल को बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सटेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं डीजल साइकिल की बात करें तो कॉन्सटेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं और डुअल कंपेशन साइकिल क्या होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है ठीक है तो ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन में यूज़ करेंगे डीजल साइकिल समझ में आ रहा है भैया डीज़ल इंजन में यूज़ करेंगे ठीक है ना अब दोनों का डिफरेंस है किसका एक्सटर्नल का और इंटरनल कम्बेशन इंजन में तो भैया हमें समझ में आ गया कि इसमें तो जो आपका कम्बेशन का प्रोसेस होगा वो सिलेंडर के बाहर होगा यहाँ पर अंदर होने वाला है ठीक है तो अगर ये बाहर कम्बसन होगा तो ये आपका इंजन जो है स्मूथली चलेगा ये थोड़ा सा नॉइज़ी होगा मतलब साउंड वगैरह इसमें ज़्यादा आएंगे ठीक है इसका जो होता है जो वेट हायर रेशियो ऑफ वेट होता है एंड बल्क टू आउटपुट क्योंकि इसमें देखो जो कम्बसन का प्रोसेस बाहर होगा तो भैया ये थोड़ा वेट भी ज़्यादा होगा ठीक है और इसमें अंदर होगा इंजन के अंदर क्योंकि इंजन के अंदर कम्बशन भी होना है और इंजन को चलना भी है भैया तो इसका वेट आपको समझ में आ रहा है कम होगा ठीक है नेक्स्ट देखो डी क्या बोला वर, वर्किंग प्रेशर टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर इज़ लो क्यों क्योंकि इसका जो कम्बशन प्रोसेस आपने बाहर किया है इसमें बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि कम्बशन प्रोसेस आपने इंजन के अंदर ही कर दिया है और इसमें हम लोग चीपर फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पे मान लो बाहर में अगर कोई अगर ख़राब फ्यूल भी जलाओगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप इंजन के अंदर आप अच्छा फ्यूल जलाओगे तो यहाँ पे फ्यूल की ग्रेड अच्छी होनी चाहिए ठीक है इसकी एफिशिएंसी लोअर होती है पंद्रह से बीस परसेंट इसकी एफिशियसी होती है पंद्रह से चालीस परसेंट अब आता है मेन कम्पोनेट ऑफ रेसिप्रोकटिंग आईसी इंजन कि इसके मेन कौन कौन से कम्पोनेट होते हैं ठीक है तो ये अगर मैं बात करूँ ऐसा इंजन का तो ये दो वॉल्व होते हैं जिसको इनलेट और आउटलेट वॉल्ब बोलते हैं यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है ये आपका स्पार्क प्लग हो गया इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं और यहाँ पे आपके आ, रिंग होते हैं ठीक है कौन कौन से तीन रिंग होते हैं एक आ, दो कंप्रेशन रिंग होता है एक ऑयल रिंग होता है ये करते क्या है भैया ये यहाँ पर जो जलने के बाद जो मतलब फ्यूल का लीकेज को बचाता है नीचे की ओर फ्यूल जाने नहीं देता ठीक है थीके? और जिसमें ये सारा कुछ रखा रहता है ये आपका कनेक्टिंग रोड हो गया ये आपका क्रैंक हो गया और यहाँ पर जो आपका ये रोटेट करता है एकदम ये हो गया क्रैंक साफ्ट हो गया ठीक है क्रैंक क्या क्रैंक केस क्या होता है जिसके अंदर ये सारा चीज़ अरेंजमेंट रखा हुआ है उसको लोग क्रैंक केस बोल देते हैं ठीक है और ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग सिलेंडर हेड बोलेंगे तो ये सारे आपके मतलब सिलेंडर सिलेंडर क्या ये सारे पार्ट्स हो गए आपका आईसी इंजन का तो हमें पता है इसमें भैया दो हज़ार डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का राइज़ होता है ठीक है और जो ऑर्डिनरी इंजन होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है और हेवी ड्यूटी इंजन जिसको हम लोग बात करते हैं डीज़ल इंजन के बारे में तो ये स्टील एलोई और एल्यूमिनियम एलोई का बना होता है ठीक है उसके बाद इन द मल्टी सिलेंडर इंजन द सिलेंडर आर कास्ट इन द ब्लॉक नोने सिलेंडर ब्लॉक मतलब अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर हम लोग जहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन इंजन बोलते हैं तो उसको हम लोग कास्टिंग प्रोसेस कहाँ पर करते हैं और जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं ठीक है मतलब एक से ज़्यादा आप इंजन यूज़ कर रहे हो जैसे कार वगैरह हम यूज़ करते हैं सिलेंडर हेड तो बोला दी, बोल दिया था कि जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको सिलेंडर हेड बोलेंगे हम लोग पिस्टन क्या होता है पिस्टन ये ये आपका जो सर इस तरीके से एक मतलब पार्ट होता है ठीक है ये क्या करता है आपका ये फ्यूल जब जलता है ना तो इस पर एक लगाता है प्रेशर फोर्स ठीक है तो ये इसका क्या होता है मोशन होता मोशन है जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं यहाँ से लगा रहता है कनेक्टिंग रोड ये क्रैंक हो गया उसके बाद ये रहता है क्रेंक साफ्ट रहता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट कर देता है किसमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है फिर यहाँ पे क्रेंक साफ्ट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट बना कर रखते हैं चेन वगैरह का सॉकेट में चेन फंसाते हो और फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाती है भैया पावर मिल जाती है आपकी व्हील रोटेट करने लगती है पिस्टन रिंग अभी मैंने समझाया कि इसका जो टोटल पी आ, इसमें जो होते हैं दो टाइप के पिस्टन रिंग्स होते हैं एक कंप्रेशन और एक ऑयल रिंग होता है ये सिम मेनली क्या करता है जो लीकेज होता है लीकेज से ऑयल का आ, उसको बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ठीक है आगे देखो कनेक्टिंग रोड ये तो समझ में आ गया कि ये जो आपका ट्रांसम ट्रांसमिट कर रहा है क्या ट्रांसमिट कर रहा है ये पावर को ट्रांसमिट कर रहा है क्योंकि ये पिस्टन को लगेगा फोर्स फिर पिस्टन से कनेक्टिंग रोड में आएगा फिर क्रैंक में आएगा फिर ये क्रैंक साफ्ट में भैया ट्रांसमिट कर देगा उसको अगर हम लोग बात करें कनेक्टिंग रोड का तो ये क्या कर रहा है रेसिप मोशन को क्या कर रहा है इंटू सर्कुलर मोशन में किसका सर्कुलर मोशन होगा ये क्रैंक साफ्ट का सर्कुलर मोशन में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है ठीक है जो इसका स्मॉलर एंड होता है कौन सा एंड स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड ये कनेक्ट करते हैं पिस्टन से क्योंकि ये देखो इस तरीके से होता है ठीक है तो जो स्मॉलर एंड होता है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कहाँ से पिस्टन से और जिस जो पिन यहाँ पे लगाते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या गजन पिन और जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहाँ पर बिगर पार्ट को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्रैंक में करेंगे ठीक है क्रैंक पिन के हेल्प से तो ये आपका अलूमिनियम एलोई का बना होता है क्रैंक साफ्ट वही हो गया जो रोटेटिंग मेंबर होता है आपका जो फाइनली जो आपको सर्कुलर मोशन मिल रहा है ठीक है रिसिप उसके बाद रिसिप को आप कन्वर्ट करके कर कर ले जा रहे हो कि सर्कुलर मोशन में तो ये हमें कहाँ मिलता है क्रैंक साफ़्ट मिलता है क्रेंकेस क्या होता है सिलेंडर के अंदर जितने भी सारे अरेंजमेंट रहेगा आपका जैसे कि कनेक्टिंग रोड हो गया क्रैंक रहेगा ये कहाँ पर आ रहा भैया इसके अंदर है ना तो ये वाला जो पार्ट आपका आता है इसी को हम लोग क्रैंक क्रेंकेस बोलते हैं क्या होगा ये इट हाउसेज सिलेंडर्स एंड क्रैंकॉट ऑफ दी आईसी इंजन मतलब ये पूरा सिलेंडर हो गया और जितना भी सारा जो अरेंजमेंट आप इसके अंदर लेकर आ रहे हो इसी को हम लोग क्रैंक के बोल देते हैं फ्लाई व्हील क्या होता है फ्लाई व्हील कुछ नहीं होता एक मान लो कोई सा व्हील है ठीक है आपके पास चक्का है अगर इसको एक बार रोटेट करवा दोगे ना तो ये कुछ टाइम तक रोटेट करते रहेगा क्यों क्योंकि इसको आपने दे दिया काइनेटिक एनर्जी तो उसी तरीके से फ्लाई व्हील एक कुछ नहीं है एक डिस्क होता जो क्रैंक साफ्ट के में लगा रहता है जब क्रेंगसाट को मिलता है यहाँ पे कौन सा पावर मतलब जो पावर ट्रांसमिट करता है कनेक्टिंग रोड इसको तो इसको जो एनर्जी मिलता है उसके कारण ये क्या करता है रोटेट करने लगता है और जब आपका फ्यूल का कंबेशन होता है जब आपका एनर्जी का प्रोड़, मान लो प्रोडक्शन कम हो रहा है इंजन के अंदर तो ये फ्लाईवील क्या करेगा आपको भैया ये अप फिर आपको सप्लाई करके दे देता है ठीक है तो ये सिंपल सी बात है ये क्या होता है एक एक व्हील होता है जो क्रैंक साफ्ट में माउंड किया जाता है जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब आपको देता है और जब आपको रिक्वायर नहीं होती है रिक्वायरमेंट तब ये इसको स्टोर करके रख लेता है ठीक है अब देखो कुछ टर्म है टॉप डेड सेंटर जो सिलेंडर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है जहाँ जिसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और जिसके नीचे नहीं जा सकता उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं सिलेंडर बोर का मतलब होता है सिलेंडर का डायमीटर ठीक है का पिस्टन का एरिया क्या होगा ये पिस्टन का एरिया हो गया ये वाला सर्कुलर एरिया होगा इसका कुछ डायमीटर होगा ठीक है तो बाई वाई फोर डी स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा स्ट्रोक क्या होता है कि भैया पिस्टन जो मूव करता है आपका टी डी सी से, से, से बी डी सी ये जो लेंथ होता है उसी को हम लोग स्ट्रोक बोल देते हैं ठीक है तो और जो स्ट्रोक लेंथ होता है ये टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में ये वॉल्यूम क्या होता है कि जो आपका पिस्टन है जैसे कि जो इंजन होता है तो यहाँ ये आपका टीडीसी हो गया ये बीडीसी हो गया तो यहाँ पर ये वाला जो आपका सिलेंडर होता है ना इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉलूम मतलब इसके ऊपर जो क्या है क्या रहेगा आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर है मान लो और यहाँ पर आपका जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये आपका स्विफ्ट वॉल्यूम हो गया और जो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेफ्ट वॉल्यूम होता है ठीक है तो उसी तरीके से अगर हमको स्विफ्ट वॉल्यूम निकालना है तो ये एरिया इंटू लेंथ हो गया ठीक है तो एरिया किसका लोग यहाँ पे एरिया ले लेना आपको सिलेंडर का एरिया हो जाएगा ठीक है पाई एफ फोर डी एस इंटू लेंथ क्लियरेंस वॉल्यूम समझ में आ गया और उसी तरीके से टोटल सिलेंडर का आपका वॉल्यूम ये निकल के आ जाएगा वी इजल टू डी एस प्लस वी सी कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो जो होता है हमेशा ग्रेटर देन वन होगा ठीक है अब देखोगे भी अलग अलग साइकिल पढ़ेंगे जैसे ऑटो साइकिल डीजल साइकिल ब्रिटन साइकिल तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा ये प्रेशर का भी रेशियो प्रेशर का रेशियो होगा तो उसको प्रेशर रेशियो बोलेंगे ठीक है टेम्परेचर का रेशियो होगा तो उसको टेम्परेचर रेशियो बोलेंगे और वॉल्यूम का रेशियो का हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो तो हम लोग को यहाँ पर ये काम है ठीक है और ये जो दोनों काम है इसका पावर प्लांट और आर में काम होता है ठीक है ना इसको हम लोग देखेंगे ब्रिटन साइकिल में हम लोग प्रेशर रेशियो यूज़ करेंगे अभी तो आपका छः से लेके सिक्सटीन होता है अभी हम लोग देखेंगे मोटरसाइकिल के लिए ठीक है सोलह से लेके बाईस तक हो, होता है आपका किसका डीजल साइकिल के लिए होता है चलिए देखते हैं अब फोर स्ट्रोक इंजन में आपका चार प्रोसेस होता है एक सक्शन होता है कंप्रेशन एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट सक्शन में मतलब फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है कंप्रेसर में कंप्रेस करता है और पावर स्टॉक में इसको जब पावर मिल जाता है फ्यूल जलने के बाद तो आपको भैया ये रेसिप्रोकेटिंग को कन्वर्ट कर देता है सर्कुलर मोशन में और फिर ये लास्ट का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट यही सब कुछ इसमें लिखा गया है ठीक है अब इसमें जो आपका फोर स्ट्रोक में जो आपका एक साइकिल होता है वो दो बार जब क्रैंक पूरा रोटेट कर लेता है मतलब सात सौ बीस डिग्री तो आप बोलोगे क्या मेरा एक साइकिल कन्वर्ट हो गया ठीक है मतलब क्रैंक का जो रोटेशन होगा एक क्योंकि आपको पता है कि वन एट्टी में सक्शन होगा फिर अगला वन एट्टी में क्या होगा आपका कंप्रेशन फिर अगला वन एट्टी में एक्सपेंशन होगा पावर स्ट्रोक होगा फिर अगला वन में क्या हो जाएगा आपका इसका स्ट्रोक होगा तो कितना बार हो गया दो बार क्रैंक रोटेट कर रहा है तब जाके वो चारों आपके स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है उसके बाद फिर नया फील और एयर का मिक्सचर आता है तो आपका वो नया साइकिल हो गया ठीक है तो वही यहाँ पर समझाया गया है आगे देखो टू स्ट्रोक इंजन तो टू स्ट्रोक इंजन में समझ में आ गया कि इसमें जो चार स्ट्रोक होते हैं ना ये क्रेंक का एक ही रोटेशन में कंप्लीट हो जाता है कैसे सपोज़ करो कि मान लो जब पिस्टन बॉटम नीचे की ओर आता है बी की ओर आता है तब ये जब का एक ट्रांसफर पोर्ट होता है जो ये जो क्रेंकेस होता है ये एयर और फ्यूल का मान लो मिक्सचर रखा हुआ है तो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट यहाँ ओपन हो जाता है फिर ये ऊपर चला जाता है उस टाइम देखो एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ये खुला रहेगा और इनलेट पोर्ट बंद रहेगा उसके बाद जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा और यहाँ से फ्यूल सप्लाई अंदर आ जाएगा और जब ये पूरा टी तक पहुँचता नहीं है उसके पहले ही यहाँ पर कंबसन हो जाता है और हमको पावर भी मिल जाता है तो जैसे ही भैया ये पहुँचने वाला रहता तो उसके बाद फिर क्या होगा ये नीचे की ओर आने लगेगा ठीक है अब जब नीचे की आने आना रहा था तो देखो ये इसमें दोनों पोर्ट इसके बंद हो जाते हैं किसमें एक्सपेंशन में और फिर भैया फोर्थ वाला जब ये एग्जॉस्ट करने जाएगा ठीक है तो ये गैस यहाँ से बाहर भी निकल रहा है और ये वाला धीरे धीरे देर पोर्ट ये ओपन हो जाता है तो इस तरीके से पूरा क्रैंक का वन रोटेशन में ही हम लोग क्या करते हैं सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक खत्म कर देते हैं ठीक है थीके? ये सारा कुछ इसमें लिखा गया आप देख सकते हो पढ़ना चाहते हो पढ़ लो इसको आप पोज करके अब आगे हम लोग इसका देख लो इसका जो इम्पोर्टेंट इसका ये है मतलब डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइकिल का वर्किंग जो यहाँ पे हमको पता है वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रेंक शाफ्ट में खाना पता कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रेंक शाफ्ट चाहिए पावर जो प्रोड्यूस होता है इसमें बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है क्यों क्योंकि भैया क्रैंक आप ये दो बार रोटेट करेगा तो आपको एक बार पावर देगा ये एक बार में ही एक बार पावर दे देगा तो ये पावर इसमें ज़्यादा होती है इसमें लेस होती है वेट आपको समझ में आ गया भैया इसमें कम वेट होगा इसमें ज़्यादा वेट होगा ठीक है वॉल्व एंड इसमें जो होता है इसमें वॉल्व नहीं होता इसमें पोर्ट्स होते लेकिन इसमें वॉल्व एंड वॉल्व का मैकेनिज्म लगा होता है वेर एंटीयर इसमें हायर होगा क्योंकि भैया ये आपको जो पावर होगा क्या करेगा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा समझ हो तो इसमें जो आपकी जो इसकी नॉइज़ होगी इसमें ज़्यादा होगी इसमें कम रहेगी अगर हम लोग बात करें इनिशियल कॉस्ट में इसका वेट भी कम है सिम्प्लिसिटी भी है तो भैया कम पड़ेगा लेस पड़ेगा इसमें ज़्यादा पड़ेगा ठीक है फ्लाईवेल मैंने समझा था कि कुछ नहीं एक ऐसा मेंबर है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तभी आपको दे देता है ठीक है तो इसमें जो होगा लाइटर फ्लाईवेल क्योंकि इस भैया इसमें पावर आपको तुरंत तुरंत मिल रहा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इसमें भैया हेवियर फ्लाईवेल चाहिए क्योंकि इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा स्टोर करके रखने की आवश्यकता है ठीक है एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लेस होती है ठीक है क्योंकि तुरंत तुरंत भैया मतलब फ्यूल आता है फिर कंप्रेस करता है ज़्यादा फूल आ, आ भी नहीं पाता है ठीक है इसमें होता है इसकी ज़्यादा होती है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग जैसे कॉम्पैक्टनेस जहाँ मतलब जहाँ पर कम जगह रहेगा वहाँ पर करेंगे या तो जहाँ पर हमको लो कॉस्ट का रिक्वायरमेंट हो और ज़्यादा मतलब पावर चाहिए तुरंत तुरंत फ्रिक्वेंट पावर चाहिए जैसे कि जो सीप वगैरह जो होते हैं वहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन ही यूज़ किया जाता है ठीक है मरन इंजन वगैरह में और इसको जी एफिशेंसी होगी क्या होगी इसमें जो एफिशेंसीज की इंपॉटेंट जैसे कार वगैरह हो गया उसमें फोर स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हो टू व्हीलर हो गया तो उसमें भैया एफिशिएंसी मैटर कर जाता है ठीक है तो टूस्ट स्ट्रोक का जैसे स्कूटर हो गया लॉन मोवर्स हो गया मोपेड हो गया ठीक है प्रोपल्शन साफ हो गया फोर स्ट्रोक कार बस ट्रक ट्रैक्टर्स इंडस्ट्रियल इंजनस ठीक है बाइक एरोप्लेन पावर जनरेशन एट्सेट्रा में यूज़ करते हैं और बात करते हैं पावर साइकिल मतलब जितने भी सारे जो इंजन होते हैं वो किसी न किसी साइकिल पे वर्क करते हैं ठीक है तो कार्नोट साइकिल जो ये आपका दुनिया का आइडियल साइकिल बोला जाता है तो इस साइकिल का जो है सबसे मतलब एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगा ठीक है उसके बाद तो ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल नाम से समझ में आ रहा है डीजल इंजन के लिए ब्रिटेन साइकिल ये हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं हम लोग गैस टरवाइन में और इसी को बोला जाता है भैया आइडियल जूल साइकिल भी इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है आइडियल जूल साइकिल भी इसी को बोला जाता है ठीक है और डुअल तो समझ में आ गया कि ये दोनों का मिक्सचर होता है और एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कुछ आपके एजम्शन हम लोग ले लेते ले हैं क्योंकि हम कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें एजम्पन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो हम लोग ये मान के चल आप इसको देख लेना पढ़ लेना एक बार ठीक है क्योंकि ओवरव्यू है डिटेल में तो बता नहीं सकते हैं कुछ अब कार्बोनोट साइकिल में क्या होता है भैया इसमें चार प्रोसेस होते हैं कौन कौन से हैं दो आइसेंट्रोपिक हो जाएंगे और दो कंप्रेशन हो जाएंगे ये आइसोथर्मल हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं जिसमें एंट्रोपिक कॉन्सटेंट तो होती है ठीक है और इसमें क्या होगा आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन भी होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का रिजेक्शन भी होता है जब कंप्रेश करोगे तो रिजेक्शन हो जाता है ठीक है तो चार प्रोसेस कौन कौन से इसके हो गए आपके दो आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट टेम्परेचर ये आपका पीवी डायग्राम ये टीएस डायग्राम हो गया आपने इसको प्रूव किया होगा जब आपने इसका प्रूव किया होगा तो भैया ये कुछ इस तरीके से इसका एफिशिएंसी निकल का आता है वन माइनस टी आर फिफ्टी टू मतलब टेम्परेचर ऑफ़ अप सिंक अपन टेम्परेचर ऑफ़ अप सोर्स सिंक और सोर्स क्या दोनों एक ऐसे रिजर्वायर होते हैं सोर्स जहाँ से टेम्परेचर आपका हीट का सप्लाई होता है मतलब अगर उससे हीट का सप्लाई भी होगा तो उसके टेम्परेचर कम नहीं होगी और सिंक एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें भैया हीट आता है मतलब अगर इसमें हीट आएगा भी तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा एक्जाम्पल देखो समुद्र समुद्र से अगर आप एक बाल्टी पानी भी उठा लोगे तो क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा अरे नहीं हो जाएगा ना उसी तरीके से ये सोर्स और सिंक भी होते हैं ठीक है दीखे? इनके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है अब ये देखो ऑटो साइकिल है ऑटो साइकिल में चार प्रोसेस कौन कौन से होंगे आपके दो कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक का प्रोसेस होता है इसमें जो हीट का एडिशन करते हैं हम लोग ये जैसे वन से टू कंप्रेशन टू से थ्री हीट का एडिशन करोगे ना तो हीट का एडिशन इसमें हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में करते हैं इसलिए स्लो हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं ठीक है और यहाँ पर ये जो पिस्टन का भैया यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डिस्प्लेस कर सकता है तो यहाँ पर जो स्वेप्ट बी वन माइनस बी टू क्या हो गया इसका स्ट्रोक इस हो गया इसी को मैं स्वेफ्ट वोलूम बोल देंगे ठीक है और ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया देखो यहाँ पे ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया ये स्वेफ्ट वॉल्यूम हो गया इसका भी आपने डेरिवेशन देखा होगा ठीक है ये सब चीज़ आप पढ़े हो और उसके बाद कम्प्रेशन रेशियो का रिलेशन ये निकालते हो कि ये भी वन में बेटू होता है भीवन में तो टोटल वॉल्यूम हो गया और टोटल वॉल्यूम को हम लोग ये लिख सकते हैं तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आर एक वन बाई सी प्लस वन सी को बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो ये रेशियो होता है किसका क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम का फिर एफिशिएंसी का जब यहाँ से फॉर्मूला निकाल के लाते हो तो ये निकल कर आता है मोटरसाइकिल का एफिशिएंसी वन माइनस वन बाई आर रेस टू पॉल गामा माइनस वन आप आर को बढ़ाओ या गामा को बढ़ाओ इसकी दोनों की एफिशियंसीज में क्या होगी बढ़ेगी तो कंप्रेशन रेशियोज का क्या होता है सिक्स टू सिक्सटीन होता है ठीक है डीजल साइकिल की बात करते हैं इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है इसमें क्या होता है इसमें दो आइसेंट्रोपिक होते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इसमें जो हीट का एडिशन होता, होता? होता, 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 हो हो होता है ये क्या होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर में होता है और रिजेक्शन जो होता है इसमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है ये पी डायग्राम हो गया ये आपका टी डायग्राम हो गया ठीक है और इसमें जो इसका कंप्रेशन रेशियो होता है ये क्या होता है सिक्सटीन से ट्वेंटी होता है उसके बाद ये सारे आपका मतलब सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या किसको क्या बोलते हैं आप लोग पढ़ चुके हो और इसमें जो आपका एफिशिएंसी निकल का आता है ये निकल का आता है वन माइनस वन बायर एज टू पावर गाँव माइनस वन रो टू द पावर गाँव माइनस वन अपन रो माइनस वन इन गावा जहाँ को रोक बोलते हैं कट अप रेशियो इक्वल टू वी थ्री बाई वी टू एक न्योमरिकल क्वेश्चन आता है अगर आपको बोलता है ना कि कट अप टेक्स प्लस एट आ, इतना परसेंट ऑफ़ स्ट्रोक तो कटअप टेक्स प्लस मतलब होता है कटअप मतलब होता है वी थ्री माइनस वी टू ठीक है और जितना परसेंट बोलेगा सपोज आर परसेंट ऑफ स्ट्रोक बोलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे वी वन माइनस वी टू अब दोनों साइड में जब आप वी टू से इसको डिवाइड कर दोगे ना तो यहाँ से आपको एक रिलेशन निकल के आएगा उसको रो माइनस वन ठीक है जितना भी परसेंटेज वोल इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक मतलब आर माइनस वन तो अगर आपको आर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से आप रो निकाल सकते हो फिर देखो डुअल साइकिल में आपको मैंने बताया था कि ये भैया मिक्सचर होता है तो इसमें देखो तो इसमें दो आइसेंट्रोपिक हो गया ठीक है दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो गया और एक कॉन्सटेंट प्रेशर हो गया तो इसमें जो हीट का एडिशन होता है पार्शियल होता है मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में भी होता है और कॉन्स्टेंट प्रेशर में भी होता है ठीक है तो ये आपका इसमें डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूल साइकिल का पी वी ओ टी एस डायग्राम होता कैसे है बाकी आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो और इसका एफिशिएंसी ये होता है ठीक है जहाँ जब आपका जो आर पी है ठीक है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रेशर रेशियो ये इसका या तो एक्सप्लोजन रेशियो भी बोल देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा भैया कंप्रेशन रेशियो जो होता है उसका हर एक जितने भी साइकिल होता है ना तो कंप्रेशन रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑटो साइकिल में डीजल साइकिल में और डुअल साइकिल में अगर बोल दिया कि कंप्रेशन रेशियो से है ध्यान से सुनना है इसको कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रहेगा तो एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहाँ ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है डुअल से और डीजल से बाकी अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में बात करोगे तो जबकि डीजल साइकिल की जो एफिशेंसी है ऑलवेज ग्रेटर देन ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल और डुअल का तो नाम से समझ में आ रहा भैया इसका एफिशिएंसी बीच में रहेगा दोनों का ठीक है तो जब कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा तो किसका ज़्यादा रहेगा ऑटो का रहेगा ठीक है आप इसको पी वी डाइग्राम इस तरीके से देख सकते हो कि सपोज मैंने कंप्रेशन रेशियो कंप्रेस कर रहा हूँ उसके बाद ये मैंने बना दिया ऑटो साइकिल का लेकिन अगर कंप्रेशन रिश्त से हम होगा तो देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बन जाएगा आपका ऑटो डीज़ल साइकिल के लिए और ये भी पड़े हो कि जो पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो हमको वर्कडन देता है तो डीजल साइकिल के केस में देखो तो ये एरिया कम बन गया मतलब वर्क डन कम मिलेगा और एफिशिएंसी बोलता ही है भैया कि वर्क आउटपुट अपन हीट इनपुट तो वर्क आउटपुट अगर आपका कम हो गया तो भैया एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना तो इसीलिए जब कंप्रेशन रेशो सेम रहेगा तो भैया एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की ज़्यादा होगी ठीक है अब बाकी कुछ भी केस रहेगा तो भैया हमेशा ज़्यादा होने वाला किसका डीजल साइकिल का डुअल का तो हमेशा देखो बीच में रहेगा और पढ़ो देखते हैं ब्रेडन साइकिल ब्रेडन साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं इसको जूल साइकिल बोलते हैं इसमें चार आपके प्रोसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं दो कॉन्स्टेंट प्रेशर और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं ये पी बी डायग्राम हो गया ये टी एस डायग्राम हो गया इसका डेरीवेशन आप लोगों ने निकाला होगा तो डेरीवेशन कुछ इस तरीके से निकल कर आता है इसका एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस वन अपन प्रेशर रेशियो गामा माइनस वन अपन गामा प्रेशर रेशियो को बढ़ा लो या तो गामा को बढ़ा लो भैया आपकी एफिशंसी क्या होने वाली है बढ़ने वाली है ठीक है और जो हमारे गैस टर्बाइन होते हैं गैस टर्बाइन में यूज़ करते हैं हम लोग किसको ब्रेटन साइकिल को यूज़ करते हैं ठीक है इसी को हम लोग आइडियल जूल साइकिल भी बोलते हैं और ये बड़ा फेमस रिलेशन इसको याद रखना टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन रेज टू पावर गामा गाम माइनस वन अपन गामा इज इक्वल टू वी वन बाई बी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन उसके बाद यहाँ पे कंबेशन इन ऐसा इंजन भाई कम्बेशन कैसे होता है दहन कैसे होता है तो सक्शन हुआ जब कंप्रेस करेंगे ना तो भैया फ्यूल का टेम जो आपका जो एयर को आप क्या कर रहे हो कंप्रेस कर रहे हो तो भैया उसका टेम्परेचर बढ़ के लाल हो गया ठीक है तो मतलब एक फ्लैश टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्लैश टेम्परेचर का मतलब होता है कि नाव फ्यूल इज़ रेडी टू बर्न अगर इसको बाहर से कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर हीट मिल जाएगा तो भैया आपका फ्यूल क्या करेगा जलेगा और आपको क्या करेगा अपने पास जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके कर रखा होगा आपको उसको देगा हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा और फिर उस उस हीट एनर्जी को आप इंजन में जो आप पिस्टन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट किए हो उसको कन्वर्ट करके ले जाओगे किस में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ले जाओगे तो यहाँ पे स्पार्किंग जैसे ही होगा तो भैया आपको पता है यहाँ पे आपका हीट का लिब्रेशन होगा जो फ्यूल के पास एनर्जी थी कौन सी एनर्जी रहेगी केमिकल एनर्जी रहेगी ठीक है तो इस तरीके से आपने फिर अरेंजमेंट बनाओगे अब आप कन्वर्ट करके कर ले जाओगे उसको मैकेनिकल एनर्जी में तो अगर हम बात करें जो टेम्परेचर होता है फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन का मतलब ये होता है सेल्फ मतलब ये इग्नाइट तभी होगा जब आप उसको इतना मिनिमम टेम्परेचर दे देते हो तो पेट्रोल के केस में ये 247 से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस होता है और डीजल के केस में 210 डिग्री सेल्सियस होता है कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का होता है हो, वो कम होता है पेट्रोल के से ठीक है तो थियोटिकल पीस थीटा डायग्राम का मतलब होता है कि प्रेशर और थीटा क्रैंक जैसे कि क्रेंक जब रोटेट करेगा तो भैया किसी एंगल में करेगा ना हमेशा तो उसका हम लोग का यहाँ पर डायग्राम देखना है तो स्टार्टिंग में जैसे कि देखो कंप्रेशन अगर आइडियल की बात करो तो यहाँ पर जब कंप्रेश करोगे ना यहाँ से देखो प्रेशर बढ़ेगा फिर आपको फिर आपने क्या किया कि भैया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी आपने क्या कर दिया हीट का एडिशन कर दिया समझ रहे हो तो देखो यहाँ पर इंस्टेंटली भैया प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब जैसे हीट का यहाँ पे ऐड करोगे फिर इसके बाद आपको आ, मतलब जो फ्यूल के पास जो एनर्जी होती वो हो, आपको एनर्जी वो देता है फिर यहाँ पे आप एक्सपेंशन कर देते हो मतलब पावर स्टॉक मिलता है फिर पावर स्टॉक के बाद यहाँ पे आप एग्जॉस्ट कर देते हो तो ये एक्चुअल मतलब ये आपका आइडियल पी और थीटा डायग्राम हो गया मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है कि भैया जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ और कंप्रेस करने के बाद जब टी डी सी पर आपका पिस्टन स्टैंड पहुँचता है आपको लग रहा कि है कि भैया तभी आपका सारा फ्यूल जल जा रहा है लेकिन बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो फ्यूल आपके जो मोलिकुल्स होते हैं उसको जलने में भैया टाइम लगता है क्यों क्योंकि जो स्पार्क प्लग होता है उसके सामने वाले फ्यूल के पार्टिकल्स पहले जलेंगे उसके बाद धीरे धीरे भैया जो उसके आगे वाले पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम लेते हैं ठीक है तो एक्चुअल जो पीठ डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है ठीक है कि मतलब फ्यूल जो जलता है वो आपका एक सौ अस्सी मतलब टी डी सी से पहुँचने से पहले उसका जलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है ताकि उस गैप को वो फुलफिल कर पाए उसके बाद ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्रेशन रेशियो कितना होता है क्या नहीं होता है ठीक है उसके बाद दो तरह के कंबेशन होते हैं ईसाई इंजन में कौन कौन से एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन एक नॉर्मल कम्बेशन एक एबनॉर्मल नॉर्मल मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि भैया सक्शन में आपका फ्यूल का सक्शन हो गया कंप्रेशन में कंप्रेस हो गया पावर में पावर मिल गया बट ये आइडियल है लेकिन जब आपका आइडियल से हटोगे जब रियलिटी में आओगे भैया तो वहाँ पे आपको निकल का एबनौर्मल कंडिशन, एबनौर्मल कंडिशन के आएगा एबनॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन के कारण ही देखना अभी यहाँ पे नॉकिंग निकल के आएगा ठीक है नॉकिंग कुछ नहीं करता आपके इंजन की परफॉर्मेंस को घटाएगा और ये होता क्यों है ऐसा इंजन में देख लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज कम्बेशन आपने पढ़ा होगा कि भैया जो ऐसा इंजन होते हैं उसमें स्टेज ऑफ कम्बसन मतलब स्टेज में बटे हुए रहते हैं जो कम्बसन होता है तो फर्स्ट स्टेज में भैया जो फ्यूल के पार्टिकल्स जो आपके स्पार्क प्लग के सामने रहेंगे पहले ये जलेंगे इसके बाद ये जलने के बाद ये आगे वाले मोलिकल्स को अपना हीट देंगे तो फिर ये जलेंगे इस तरीके से भैया हीट का ट्रांसफ़र होता है भैया ये आगे वाले मोलिकल्स को इस तरह से ट्रांसफ़र करते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग आपने देखा होगा कि जो फ्यूल को अगर पूरा जलना है तो पहले उसको भैया वो उतनी टेम्परेचर देना पड़ेगा कौन सा टेम्परेचर सेल्फ इग्नेशन टेम्परेचर तो ये इसको धीरे धीरे मिलता है ना भाई जैसे मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो एक फ्लेम है ये फ्लेम क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं फ्रंट फ्लेम बोल देते हैं ठीक है फ्लेम फ्रंट बोलते हैं फ्लेम क्या होता है भैया ये जो जितने भी फ्यूल पार्टिकल जो जल रहे हैं ना जलने के बाद इसको एक लाइन में मिला दो भैया तो ये इस तरीके से जो आपको एक सेप मिल रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं फ्लेम फ्रंट मिलते फ्रंट बोलते हैं ठीक है तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो टाइम टेकन लिया जाता है किसके द्वारा मतलब ऐसा इंजन में फ्यूल को जलने में तो वो होता भैया केमिकल एक्शन ऑफ द फ्यूल टू द इग्निशन इज कॉल्ड आपको इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं केमिकल डिले मतलब फ्यूल आपका तब तक नहीं जलेगा जब तक उसमें केमिकल एक्शन ना हो जाए मतलब पहले एयर और फ्यूल मतलब एक तो वो कार्बोहेट्रेट सबका पूरा मिक्स होके आते हैं ठीक है थीके? फिर उसको पूरा वो हीट मिलता है ये बंदा रेडी होता है जलने के लिए ठीक है तो वो जो टाइम ले रहा है ना उसी टाइम को हम लोग बोल देते हैं क्या केमिकल एक्शन बोल देंगे ठीक है मतलब केमिकल एक्शन से ले इग्नेशन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको तो इसी टाइम को हम लोग बोल देंगे क्या केमिकल डिले बोल देंगे तो ये समझ में आ गया कि भैया ए में जो आपका स्पार्क बिगिन का होता है उसके बाद फ्यूल थोड़ा सा दीर्घ तो, मतलब पूरा जलने में उसको टाइम लग रहा है तो ये टाइम आपका क्या होगा केमिकल एक्शन हो गया ठीक है इसी को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट स्टेज स्थे, ऑफ कम्बेशन या तो केमिकल डिले ये सब ये सारे इसके अपने अलग अलग नाम है ठीक है और लेग बोलते हैं लेग मतलब भैया पीछे रह गए एक्चुअल जो जलना चाहिए था जिस टाइम पे उस टाइम पे आप जले नहीं या तो प्रिपरेटरी फ़ेज बोल देते हैं मतलब प्रिपरेशन हो रहा है जलने के लिए फिर सेकेंड स्टेज में आपको मैंने बताया कि फ्रंट फिल्म क्या होता तो ये सब पढ़ चुके हो आप ठीक है तो इस तरीके से आपका एबनॉर्मल की बात करो अब एबनॉर्मल क्या होता है ना कि सपोज इधर से भी एक फ्लेम आ रहा है ठीक है अब मान लो कि जो अपोजिट साइड में जो फ्यूल है अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो आपका सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है किसी पॉइंट पे तो अब क्या करेगा ना भैया ये फ्यूल पार्टिकल भी इधर से जलेगा तो ये फ्यूल पार्टिकल भी जब जलेगा तो ये भी इधर से फ्रंट फ्लेम एक जाएगा अब जब दोनों ही फ्रंट फ्लेम भैया आएगा तो भैया ये क्या करेंगे आपस में टकराएंगे ठीक है इसी टकराने के कारण जो पिस्टन रहेगा भैया उसको समझ में नहीं आएगा भैया कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है और वो भैया वहीं पे थोड़े से टाइम के लिए खड़ा रह जाएगा तो भैया आपका लॉस हो गया कि नहीं हो गया इंजन का जो मोशन मिलना चाहिए था यहाँ पे पिस्टन को मिलेगा नहीं आप ठीक है तो उसी को, इसी को हम लोग बोलते देते हैं कि एबनॉर्मल कम्बेशन बोल देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे पेट्रोल इंजन में नोकिंग बोलेंगे ठीक है ये सारे पॉइंट आपका लिखा हुआ है ठीक है कि अगर एंड चार्ज जो होता अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया किसी कारण तो भैया फ्यूल जो है मतलब टाइम से पहले ही जल जाएगा ठीक है जब जलेगा तो दो अलग अलग सेपरेट फ्लॉम निकल के निकल के आते हैं इस तरीके से तो ये पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो ठीक है और यहाँ पे नॉकिंग डेटोनेशन पिंगिंग सारे एक ही चीज़ एक ही टर्म है ठीक है पिंगिंग का मतलब होता, मेटलिक होता है मेटेलिक साउंड होता है ठीक है ना तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी हम लोगों ने अब दूसरा कुछ अब ये देख लो अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो आपके सेपरेट फ्लेम निकल के आते हैं तो जब ये टकराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा एक हाई एनर्जी शॉक वेव निकले बनेगा ठीक है इसके कारण क्या क्या लॉसेस होते हैं मतलब आप देखो डिस एडवांटेज ऑफ नोकिंग क्या क्या हो सकता है तो ये जो हाई एनर्जी शॉक वेव है मतलब कॉलिजन होने के बाद आ रहा है तो कॉलिजन जब हो गया तो बोलते भैया इंजन में नोकिंग हो गया ठीक है तो इसके कारण क्या हो सकता है आपका जो इंडिकेटेड पावर है अब देखना जो इंडिकेटेड पावर डेवलप होता है वो कम हो गया ब्रेक पावर कम हो गया आपकी एफिशिएंसी सारे कम हो जाएंगे ब्रेक स्पेसिफिक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मतलब जो ये होता है ये बढ़ जाता है तो मतलब पूरा आपका लॉस ही होने वाला है ठीक है तो इस हाई एनर्जी शॉक वेव के कारण एक मेटेल मेटालिक साउंड निकल के आएगा जिसको हम पिंगिंग बोल देते हैं ठीक है थीके? इसी के कारण क्या हो जाता है अनबर्नड हाइड्रोकार्बन मतलब जो जैसे फ्यूल होता है वो उसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होते हैं तो मतलब इसमें जो भैया हाइड्रोकार्बन की जो संख्या होती है मतलब जब फ्यूल का एग्जॉस्ट होता है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है मतलब आपको जितना फ्यूल को जलने से जो एनर्जी मिलना चाहिए था वो आपको उतना नहीं मिल पा रहा है इंजन की लाइफ कम हो गई ठीक है तो कोलिजन के कारण इसमें फटिक स्ट्रेस आता है जिसके कारण क्रेक का प्रोपेगेशन भी होता था ये सारे आपका डिसएडवांटेज हो गया है अब फैक्टर देखो तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कंप्रेशन रेशियो आर को बढ़ाओगे ठीक है तो उसके कारण भैया एंड टेम्परेचर बढ़ता है तो नोकिंग बढ़ेगा ऐसा इंजन ऐसा इंजन में दिमाग में बैठा लो कंप्रेशन रेशो बढ़ाओगे तो नोकिंग क्या होगा बढ़ेगा ऐसा इंजन में सीआई इंजन में इसका अपोजिट है ठीक है आर इसका कितना हैं छः से बारह होता है उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो याद रखना कि स्पीड बढ़ाने से जो हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसकी नोकिंग क्या होती है घट जाती है ठीक है कि इंजन की स्पीड बढ़ाएंगे अगर ऐसा इंजन में तो भैया इस नोकिंग घटेगी अगर बात को टॉर्क लोड लोड मतलब लोड बढ़ेगा मतलब फ्यूल की सप्लाई बढ़ा होगा भैया कुछ भी कर लो नोकिंग तो बढ़ने ही वाला है ठीक है तो ये समझ में आ गया चलो तो अब देखो अगर आपका स्पीड ऑफ फ्लेम फ्रंट अगर बढ़ गया मतलब फ्लेम अगर तेज़ी से ट्रेवल कर रहा था मतलब फ्यूल आपका जल्दी जल्दी जल जले जलेगा ठीक है तो उसके कारण क्या होगा मतलब जब ये ट्रेवल करेगा तो भैया अपोजिट चार्ज को क्या करे? करेगा कंप्रेस करेगा तभी तो ये वाला चार्ज भैया जलने की जो आपका कंप्रेसर कंप्रेस जब करेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी ना भैया कोई भी किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर तो क्या होती है भैया टेम्परेचर उसका बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके कारण भी आपका एक सेपरेट फ्रंट फ्लेम निकल सकता है तो उसके कारण भी आपकी नोकिंग बढ़ जाएगी ठीक है तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है अगर इनलेट टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब जो टेम्परेचर हमारा एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेयर से जो आपका एयर का रहेगा वो ज़्यादा रहेगा तब भी आपकी नोकिंग बढ़े, बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है फोर स्ट्रोक सियाई इंजन तो सियाई इंजन में आपको सिर्फ ये याद रखना कि भैया सारे तो वो स, वही स, वही सब चीज़ें ना यहाँ पर भी सिलेंडर है पिस्टन है कनेक्टिंग रोड क्रैंक क्रैंक साफ लेकिन यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व तो ही है साथ में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है मतलब यहाँ पे कार्बोरेटर जो है आपका यूज़ हो है यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कि डीजल इंजन जिसको हम लोग सी आई इंजन बोलते हैं यहाँ पे जब फ्यूल फ्यूल नहीं आता सिर्फ क्या आता एयर आता है ठीक है सक्शन में और जब कंप्रेस करते हो ना ठीक है कंप्रेस जब करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा किसका एयर का अब यहाँ से जब आप पहुँच जाते हो तो यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन होता है मतलब यहाँ स्प्रे के फॉर्म में फ्यूल आता है ठीक है और ये फ्यूल जब अंदर आएगा सिलेंडर के अंदर तब यहाँ एयर का मोलिकूल जिसका टेम्परेचर बढ़ा है ये फ्यूल को हीट देगा जिसके कारण फ्यूल ना बिकम्स रेडी टू बर्न उसके बाद जब फ्यूल को भैया एक सफिशियंट सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तब तो आपका फ्यूल जलेगा और आपको केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में नाव दैट हीट एनर्जी यू कैन यूटिलाइज टू मूव दैट दिस पिस्टन एंड दिस पिस्टन कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन टू रोटरी मोशन ठीक है समझ में आ गया तो ये चार आपके स्टॉक होते हैं तो ये अपने वर्किंग वगैरह पड़ा होगा ठीक है आगे देखो स्टेज ऑफ कम्बेशन इन सी आई इंजन तो वहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा था कि जो आपका केमिकल जो मिक्सर मिक्स मिक्सिंग हो रहा था केमिकल एक्शन से लेके इग्निशन इग्नेशन मतलब जो ये बीच की जो प्रक्रिया थी मतलब कि भैया फ्यूल को थोड़ा सा हीट चाहिए तो उसमें उस उससे लेके जो जलने के बीच में जो टाइम लग रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे केमिकल डी ले ले। लेकिन यहाँ पर देखो तो एयर और फ्यूल जो बाहर से मिल मि, आ, मिक्स होकर आते थे किसमें ऐसा इंजन में तो उसमें सिर्फ आता था केमिकल डिले लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो सियाई इंजन होता है इसमें सिर्फ एयर आता है लेकिन जो एयर प्लस फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर मिक्स होता था इसमें और एक टाइम बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते थे क्या फिजिकल डिले तो इग्निशन डिले का मतलब हो गया भैया कि कितना देरी होगी आपका ठीक है तो इसमें फिजिकल डिले होगा प्लस केमिकल डिले दोनों का ही भैया समेशन होता है ठीक है अब ये आपका फिजिकल डील लिखा हुआ है कि क्यों हो रहा है ठीक है फिजिकल डिले मतलब कि भैया अब आएगा फ्यूल ठीक है फ्यूल मान लो आया फ्यूल इंजेक्टर से अब एयर के मोलिकूल जिसका टेम्परेचर ये अपना टेम्परेचर हीट देगा किसको इस बगल वाले मोलिकूल्स को मतलब फ्यूल के मोलिकूल्स को तो इसमें भैया टाइम तो लगेगा ना यार फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा तो इसलिए उसी को हम लोग बोलते थे कि फिजिकल डीले और केमिकल डीले तो आपको पता है कि भैया केमिकल एक्शन से ले इग्निशन के बीच जो टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या इग्निशन डीले इग्निशन केमिकल डीले बोलते हैं ठीक है अब रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड कम्बसन मतलब यहाँ पर जो आपका जो नॉकिंग वाला जो पड़े थे आपने क्या किस कहाँ पे ऐसा इंजन में तो यहाँ पर भी जब अनकंट्रोल्ड कम्बसन जो होगा तो यहाँ पे उस नोकिंग को हम लोग सिर्फ क्या बोल देते हैं नेशन बोल देते हैं ठीक है तो यहाँ डेटोनेशन का मेन कारण हो जाता है कि अगर मान लो जो फ्यूल मान लो आ रहा है ठीक है तो मान लो अगर जिस फर्स्ट स्टेज में फ्यूल आया अगर वो नहीं जला और ये फ्यूल मान लो सेकंड स्टेज में जब जलेगा ठीक है तो भैया आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा उसके कारण भैया हीट मतलब क्या इन देंस आपको एनर्जी मिलने वाला है तो उस एनर्जी के कारण भैया आपका पिस्टन का मूवमेंट में डिस्टर्बेंस होगा जिसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर हम कंट्रोल ठीक है तो ये सब सब आपने पढ़ा होगा डेटोनेशन किस किसको बोलते हैं कंट्रोल कम्बन आप जैसा सोच रहे हो अगर वैसा ही हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है नहीं तो भैया होगा आपका डेटोनेशन का फिनोमी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर कंप्रेशन रेशियोज का सोलह सौ सो बाईस होता है अगर ये आर बढ़ेगा तो इसकी नोकिंग कम होगी ठीक है ओमेगा बढ़ने से इसका हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगा तो भैया इसकी नोकिंग बढ़ जाएगी लेकिन देखो तो यहाँ ऐसा इंजन में अपोजिट था ठीक है ये भी ऐसा इंजन में अपोजिट था ये दोनों टर्म आपको याद रखना है ठीक है कि अगर आर ज़्यादा रहेगा किस में आपका डीजल इंजन में तो नोकिंग घट जाएगी लेकिन ऐसा इंजन में बढ़ जाएगी ओमेगा अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका जो अभी सीआई इंजन है उसमें नोकिंग बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा इंजन में घट जाएगी ठीक है तो लोड बढ़ने से भी यहाँ पे नोकिंग घटती है और इनलेट टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो यहाँ पे नोकिंग कम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे देखो ये सब सारा केस जो है ऐसा में अपोजिट है ठीक है तो ये सब सारा कुछ हो गया प्री इग्नेशन का मतलब वही होता है कि भैया आप फ्यूल आपका टाइम से पहले चल गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री इग्नेशन ठीक है प्री इग्नेशन का अलग अलग फॉलोइंग रीजन्स हो सकते हैं कि अगर मान लो ऐसा इंजन में सिलेंडर का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है या ओवर हीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट है मतलब कि अगर स्पार्क प्लग मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका टेम्परेचर सिलेंडर में जितना भी टेम्परेचर है उसके कंपरेचर में थोड़ा ज़्यादा है ठीक है तो वो क्या करेगा फ्यूल को जल्दी जला सकता है और ओवर हीटेड एग्जॉस्ट वॉल्व क्योंकि जो एग्जॉस्ट वाला वॉल्व होता है ना उसमें भैया हमेशा भैया गर्म गैस मतलब बाहर जाती है तो उसके कारण भी वो वॉल्व क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है तो इफेक्ट ऑफ प्री इग्नेशन क्या हो सकता है ये रिड्यूस यूजफुल वर्क जो आपको मिलना चाहिए वो कम कर देगा ठीक है इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम इंजन आपका ये क्या करता है ये बढ़ा देता है क्या हीट लॉस इंजन में और रिडक्शन इन थर्मल एफिशिएंसी भैया प्री इग्निशन के कारण ही तो आपका देखा था नॉकिंग वगैरह जो हो रहा था ऐसा इंजन में अब सुपर चार्जिंग क्या होता है देखते हैं सुपर चार्जन का फंक्शन क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका इंजन है इंजन में भैया अगर फ्यूल को जलना है तो हमको चाहिए कि एयर चाहिए एयर में एयर क्यों चाहिए उसमें ऑक्सीजन होता है लेकिन अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है जैसे कि मान लो हायर एल्टीट्यूड में जैसे कि मान लो जो एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं या आप जब माउंटेन में जाते हो तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेकिन हमें यहाँ अवेलेबल कम मिलता है तो अगर आपको इंजन में ज़्यादा मान लो अगर ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो भैया कम्बसन सही से नहीं हो पाएगा ना उसके लिए हमें यहाँ पर सुपर चार्जर लगाते हैं सुपर चार्जरिंग कुछ नहीं होता एक ऐसा डिवाइस होता है जो बाहर से एयर खींचता है और सिलेंडर के अंदर भेज देता है ठीक है तो ये क्या करेगा सुपर चार्जर ये इंक्रीज करता है मास और डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ और एयर एडमिटेड टू द सिलेंडर जो सिलेंडर में जो आपका जो एयर वगैरह जा रहा है उसका डेंसिटी को ये बंदा बढ़ा देने वाला है ठीक है अब क्या बहुत ऐसा एंड सी इंजन में है सुपर हीटेड मतलब अगर इन दोनों में अगर सुपर हीटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुपर चार्जिंग जो ऐसा इंजन में ये लिमिट किया गया है क्यों भैया ये डेटोनेशन ऑफ द फ्यूल मतलब कि अगर सपोज मान लो इनलेट टेम्परेचर मान लो अगर बहुत ज़्यादा मान लो एयर की सप्लाई करोगे तो भैया जो आ, फ्यूल जो वहाँ पे जलेंगे भैया बहुत अच्छी तरीके से जलेंगे तो टेम्परेचर की भैया राइज़ होने की मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है मतलब इंजन के अंदर तो जिसके कारण आपको पता है कि प्रीग्नेशन होता है प्रीग्नेशन के कारण ही वहाँ पे नोकिंग हो जाता था लेकिन सियाई इंजन में ऐसा नहीं है भैया आपको जितना भैया अगर इसका इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और अच्छी बात है इसमें नोकिंग कम हो जाती है पता ही है आपको ठीक है अब इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग का होता है आप सुपर चार्जिंग होता कैसे यहाँ पर देख लो सुपर चार्जर कुछ नहीं होता भैया ये इंजन होता है इंजन में एक साफ़्ट होता है ठीक है इस साफ्ट में इस इसमें भैया एक बेल्ट लगा बेल्ट का अरेंजमेंट होता है और वहाँ पे एक कम्प्रेशर लगा रहता है ये कंप्रेशर क्या करें बाहर से एयर खींचेगा और ये इंजन में भेजेगा मतलब ये सुपर चार्जर बंदा जो है भैया नाम तो है सुपर लेकिन काम क्या कर रहा है ये इंजन का पावर को ही यूज़ कर रहा है मतलब ये सुपर चार्जर आपकी इंजन की वर्क आउटपुट या एफिशिएंसी को घटाएगा क्यों क्योंकि भैया इस सुपर चार्जर जो सुपर मैन है ना भैया सुपर मैन वाकई में नहीं है क्यों क्योंकि भैया ये इसको इंजन चला रहा है ठीक है ये नाम का सुपर मैन है समझ रहे हो तो भैया सुपर चार्जर जो होता है ये इंजन के पावर से चलता है लेकिन देखिए तो ये जो टर्बो चार्जर होता न, चार्जर है ना ये टर्बो चार्जर भैया इसको इंजन से हमको चलाना नहीं पड़ता है मतलब ये इंजन की पावर को नहीं लेता है ये क्या करता है कि यहाँ पर जो इंजन जो होता है इंजन जो जब फ्यूल जब एग्जॉस्ट होता है तो उस गैस को हम लोग एक अरेंजमेंट बनाकर टरबाइन में भेज देते हैं ठीक है और टरबाइन को रोटेट करवा देते हैं इसमें एक साफ़्ट लगा रहता है उस साफ्ट को जोड़ देते हैं हम लोग किससे कंप्रेसर के साफ्ट से जिससे कंप्रेसर चलने लगता ये है ये कंप्रेसर भैया बाहर से एयर खींच के आपको भेज देता क्या? टर्बो है क्या टर्बलो चार्जर में मतलब टर्बो चार्जर की जो एफिशेंसी है भैया वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी क्यों क्योंकि इंजन की भैया पावर को यूज़ नहीं कर रहा है ठीक है ये तो वेस्ट जो हीट जा रहा था उसको यूटिलाइज कर लिया इंजीनियरिंग का दिमाग लगा लिया और भैया वो इस तरीके से यहाँ पे कंप्रेशर को ड्राइव कर रहा है समझ में आ गया चलो ठीक है तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हो सुपर चार्जिंग का क्या इफेक्ट है टर्बर चार्जिंग का क्या इफेक्ट है ठीक है चलो ठीक है अब दोनों का डिफरेंस देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट है इट इज़ डायरेक्टली ड्रिवन मतलब इसको चलाया जाता है भैया इंजन के द्वारा बट इसको हमको जलाने की जरूरत नहीं इसमें जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं ना भैया उससे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं मतलब जो चीज़ बर्बाद जा रहा था भैया इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि भैया हाउ यू कैन वर्क मतलब एफिशेंटली और इकोनॉमिकली कैसे भी किसी काम को आप कर सकते हो ठीक है सस्ता और अच्छे से तो भैया वही यहाँ पे कर रहे एग्जॉस्ट गैस का यूज़ कर रहा है इसमें जो ये इंजन का पावर क्या करता है ये हीट इंक्रीज इंजन पावर बाई अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट लेकिन भैया ये बढ़ा देता है कितना थर्टी से फिफ्टी क्यों क्योंकि इसको भैया कंप्रेसर को चलाने में एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है सुपर चार्जर जो होता है ये, ये यूज़फुल पावर ऑफ इंजन का यूज़ करता है लेकिन ये क्या करता है एग्जॉस्ट जो, जो वेस्ट हीट होता है उसको यूज़ उस करता है सुपर चार्जर क्या क्या करता है ये क्रैंक साफ्ट जो होता है स्टार्ट वर्किंग सडनली मतलब अगर जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ ठीक है तो भैया ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा समझ रहे हो सुपर चार्जर जो होता है क्योंकि इंजन भैया इंजन का जो क्रैंक साफ्ट है उसी के साफ्ट से ये कनेक्ट है ना तो ये क्या करेगा जैसे आपका इंजन स्टार्ट हुआ भैया आपका सुपर चार्जर का काम स्टार्ट हो जाएगा बट टर्बो चार्जर का काम तभी स्टार्ट होगा जब आपकी एग्जॉस्ट के जो टेम्परेचर है इतना सफिशियंट टेम्परेचर रहेगा ताकि वो क्या करे टर्बाइन को रोटेट करवा सके समझ रहे हो मतलब उतना आपको सफिशियंट अमाउंट में आपको क्या मिलना चाहिए स्मोक मिलना चाहिए उस टर्बाइन को रोटेट करवाने के लिए तो अगर कोई पूछे कि इंजन को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन स्टार्ट होगा पहले सुपर चार्जर होगा और भैया टर्बो चार्जर कुछ टाइम के बाद होगा ठीक है ये डिक्रीजेस द इंजन एफिशिएंसी हमें समझ का भी ये इनक्रीज़ कर देता है ये लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसीलिए हमें कार में भैया इसको बड़ा मतलब अडेप्ट करने में इसको बड़ा डिफिकल्ट होता है बट इट वेरी इजी कौन टर्ो चार्जर ठीक है इसके वजिंग कुछ नहीं होता यार देखो सिंपल सी बातें जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने जो आपका पावर स्ट्रोक मिल गया ठीक है सक्शन हो गया फुल सक्शन हो गया फिर सक्शन कर दिया आपने फिर कंप्रेशन कर दिया कंप्रेशन करने के बाद फिर ये पिस्टन नीचे आ गया मान लो पावर अब उसके बाद क्या करें क्या होगा जैसे फ्यूल गैस जो यहाँ पे जला हुआ एग्जॉस्ट गैस से बाहर जाएगा लेकिन कुछ गैसेस अंदर में रह जाती है इन गैसेस को बाहर करने के लिए पिस्टन को ऊपर की ओर मूवमेंट करना पड़ेगा तो इसी को बोलते हैं भैया स्केबेंजिंग स्केबेंजिंग मतलब क्या कर रहा है घर खाली करो इस इस गैस को बाहर जो सिलेंडर के अंदर में है उसको जब तक पूरा बाहर नहीं करोगे भैया नया एयर फ्यूल मिक्सचर कैसे अंदर पाएगा क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना ठीक है तो इसको भैया इसी को हम लोग बोलते हैं क्या स्केबेंजिंग ये क्या बोलता है द क्लीनिंग द क्लियरिंग और स्वेपिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द कम्बन चेंबर ऑफ़ द सिलेंडर इज नॉन एज स्केबेंजिंग ठीक है अभी यही सब लिखा गया, गया है कि क्यों नेसेसरी है क्या नहीं है ठीक है चलो आगे देखो ये सारे आपके क्रॉस फ्लो फुल लूप और बैक बैक फ्लो यूनिफ्लो ये सब सारे आपका क्या हो गया ये सब सारे आपके टाइप्स ऑफ स्कैजिंग हो गया कार्बोरेटर तो याद रखना भैया कार्बोरेटर कुछ नहीं है कोई तोप नहीं है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एयर और फ्यूल दोनों आते हैं और ये दोनों का मिक्स करता है दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर बना के ऐसा इंजन में इसका काम होता है भैया सिलेंडर के अंदर भेजना तो भैया कार्बोरेटर इज अ डिवाइस मिक्स द एयर फ्यूल होमोजीनियसली मतलब पूरा एक समान मिक्स करता है उसको ठीक है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बोल देते हैं तो, तो उस डिवाइस को बोलते हैं कार्बोरेटर ठीक है तो अगर बात करें कि क्या कार्बोरेटर सी आई इंजन में भी यूज़ होता तो सी आई इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता वहाँ पे क्या यूज़ होता फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है मतलब देखो फ्यूल मान लो यहाँ पे आता है फ्यूल स्ट्रेनर एक छन्नी होता है जो मतलब ये देखो सिंपल सी बात है इसमें क्या कर क्या रहा है ये बंदा यहाँ पर करेगा क्या सिंपल करोटर का यहाँ पे आपका एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है तो यहाँ यहाँ पे जो आपका ये वाला पेट्रोल मान लो फ्यूल है यहाँ पे क्या है आपका टैंक से फ्यूल आता है ठीक है तो ये भैया तब तक तो, ये फ्लोट का तब तक तो करेगा जब यहाँ पे पेट्रोल का लेवल क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा ठीक है, रहे है ये वेंट टू एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में ये पार्ट खुला हुआ रहता है अब यहाँ से देखो फ्यूल आएगा अब फ्यूल आएगा यहाँ से ये आपका एयर आ रहा है अब फ्यूल एयर क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोनों मिक्स हो के ये कहाँ पर भेज देगा इसको इसको भेज देगा आपको इंजन में भेज देगा ठीक है ये आपका पूरा वर्किंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आपको इसको पढ़ लेना कि कैसे क्या क्या करता है उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूल फ्यूल में स्टोक्यूमेटर मिक्सचर मिक्सर होता है स्टोक्योमेटर का क्या मतलब होता है कि आपको मान लो मैंने बोला कि भैया एक के जी आपको मैंगो दूंगा आपको खाना पड़ेगा तो आप आप बोलोगे यार हाँ मैं इसको सब खा लूँगा मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगा लेकिन सपोज़ करो कि आप एक के जी ऐसा ये एग्जांपल समझो समझो मतलब कि फ्यूल है ठीक है तो फ्यूल के पास मान लो सी एच फोर एक मिथन है ठीक है तो मिथन है तो भैया मैं बोलूँगा भैया सी एच फोर का क्या वन वॉलीकूल है तो भैया अगर ये पूरा जल गया तो इसको जलने के लिए भैया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ना ये अगर पूरा जल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो भैया ये पूरा जल गया फ्यूल मतलब इसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑटो मिल गया तो ये आइडियल कंडीशन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं एस्टेक्यूमेट्री मिक्सचर मतलब जितना हमको चाहिए था एयर फ्यूल का मिक्सचर वो हमको उतना मिल गया है लेकिन मान लो अगर भैया जितना इसको जलने के लिए चाहिए था अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोल देंगे भैया उसको स्टेक्यूमेंट्री मिक्सचर नहीं बोलेंगे तो वही यहाँ पर समझाया गया है देखो कि यहाँ पे मिथन का फ्यूल है और ये आपको पता है कि सेवेंटी नाइन परसेंट बाई वॉल्यूम वो, आपका नाइट्रोजन प्रजेंट है तो वन मॉलिक्यूल के लिए इतना आपका नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करके जब इसको ये करोगे तो आप दिमाग में बैठा लेना कि जब भी फ्यूल जलता है तो सबसे पहले उसमें एस का वेपर बनता है ठीक है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसके बाद भी यह बचा कुचा नाइट्रोजन बाहर निकलता है लेकिन अगर रिश्स मिक्सचर हो गया ठीक है रिच मिक्सचर का मतलब रिच मतलब क्या धनी धनी मतलब पैसा आपके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा मतलब आपके पास फ्यूल ज़्यादा है तो रिच मिक्सचर का मतलब होता है क्या फ्यूल क्वांटिटी मोर और लीन मिक्सचर का मतलब होता है कि एयर का मिक्सचर मोर ठीक है लीन और रिच से समझ मारा भैया भैया बंदा धनी होगा तो अब देखो यहाँ पर सी एच फोर मान लो अगर आपका आप फ्यूल क्वान्टिट्टी ज़्यादा लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एयर की क्वांटिटी कम है ठीक है तो यहाँ पे सी ओ बाहर निकलेगा मतलब फ्यूल पूरा अच्छे से जलेगा नहीं तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आएगा तो भैया आपको पता ही है हेमोग्लोबन के साथ चिपक के ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देगा ठीक है तो ये एक तरह का पॉल्यूशन होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भैया पॉल्यूशन नहीं है लेकिन भैया ये क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्लोबल वार्मिंग करता है ठीक है अब जैसे यहाँ पर मीथेन है ठीक है अब मान लो मिथिन को भी सफिशेंट यहाँ पे सी एच फोर को फिर फिर से इसको जलाना है ठीक है लेकिन अगर आपको सफिशियंट अमाउंट मान लो अगर ऑटो नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता आपको ठीक है फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्या क्या हो सकता है भैया कार्बन बाहर आ सकता है मतलब भैया अगर ऑक्सीजन अमाउंट अगर आपको जितना चाहिए अगर उतना मिल गया तो फ्यूल का कैसा कैसा मिक्सर होगा एस्टोक्योमेट्री मिक्सर होगा अगर नहीं मिलेगा तो वो एस्टोक्योमेट्री मिक्सर नहीं होगा तो यहाँ आपका भैया जितना फ्यूल ये जलने से क्या होता है आपको इतना एनर्जी मिलता है लेकिन आपको अब इतना नहीं मिलने वाला तो आपका लॉस ही हो गया ना ये तो इसको बोलते थे कि अनबर्न हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ठीक है तो जो ऑक्टेन नंबर होता ये की, की quality, मतलब है ये बताता है क्या आपका पेट्रोल इंजन की फ्यूल की क्वालिटी ठीक है पेट्रोल मतलब ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा रहेगा ये नॉकिंग कम करेगा मतलब पेट्रोल की जो जो होता है फील जो होता है इसकी क्वालिटी और इतनी अच्छी है सिटेन नंबर ओ से याद रखना ओ से क्या, क्या होता है ऑटोसाइकिल ना तो इससे याद रखना ऑक्टेन नंबर मतलब फ्यूल की क्वालिटी बताया कौन सा फ्यूल पेट्रोल सीटन मत जो होता है ये बताता है डीजल फ्यूल की क्वालिटी इसकी जितना ज़्यादा नंबर होगा ऑक्टेन सीटेन नंबर तो भैया नॉकिंग इसमें उतना कम होगा ठीक है अब फ्यूल के टाइप्स सॉलिड हो गया लिक्विड हो गया गैसियस जैसे कोल पाउडर पेट्रोल डीजल इसमें हो गया इसमें सी एन जी और एल पी जी हो गया तो भैया वही सब यहाँ पर लिखा गया कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है लिक्विड फ्यूल क्या होता है ठीक है अब पढ़ लेने इसको पढ़ना चाहो तो यहाँ पे अलग ये सर आपके लिक्विड फ्यूल्स हो गया गैसेस फ्यूल्स हम लोग को पता सी एन जी और एल पी जी ऐस के यूज़ करते हैं क्रूड ऑयल क्या होता है भैया जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जैसे पेट्रोल होता है डीजल होता है ये क्या अर्थ करते हैं भैया अर्थ के सरफेस से निकालते हो ना तो जो वो कच्चा तेल होता, होता है उसको उसमें क्रूड ऑयल बोलते हैं यही सब का पेट्रोल निकलेगा डीजल निकलेगा ग्रेसरीन निकलेगा ठीक है इसको अलग अलग मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट मतलब प्रोड़ा, जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब सारे आपके क्रूड ऑयल के ही होते हैं ठीक है तो ये सब सारा कुछ सबका लिखा हुआ है लुब्रिक्रुब्रिक्रंट क्यों यूज़ करते हो लुबिक्रंट यूज़ करते हैं भैया कि जो फ्रिक्शन होता है ठीक है जिस फ्रिक्शन के कारण जो हीट का जनरेशन होता है उसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिक्रट यूज़ करते हैं ठीक है तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि भैया इसका फंक्शन होता है रिड्यूस फ्रिक्शन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट क्लीनिंग इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट ठीक है ये सब सारा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो पॉइंट फंड फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट क्या होता है फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ फ्लेश अपीयर्स ऑन द ऑयल सरफेस। ठीक है ऑयल का मान लो अगर सरफेस है ठीक है तो अगर मान लो फ्लैश पॉइंट मतलब क्या एक वो टेम्परेचर दे दो ठीक है वो टेम्परेचर अगर मान लो उस पॉइंट पे पहुंच गया तो आपको यहाँ पर एक क्या कर एक क्या होगा मतलब फ्लेस अपीयर होगा कहाँ पे ऑयल के सरफेस में फायर पॉइंट का मतलब होता है इज द टेम्परेचर एट विच द फ्लेस विल सस्टेन इट सेल्फ एज अ स्टडी फ्लेम फॉर एटलीस्ट फाइव सेकेंड मतलब कि जहाँ पर आपका फ्लेम कुछ ज़्यादा टाइम तक रह जाए उसको हम लोग बोल देते हैं क्या फायर पॉइंट बोल देते हैं ठीक है इसका कि द फ्लैश एंड फायर पॉइंट इंडिकेट द टेम्परेचर बिलो विच द फ्यूल कैन बी हैंडल हैंडल्ड विदाउट एनी डिग्री ऑफ डेंजर ऑफ फायर मतलब कि मान लो पेट्रोल है कोई सा भी अगर फ्यूल है अगर उसका टेम्परेचर फ्लैश और फायर पॉइंट से कम है तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि फ्लैश पॉइंट अगर रहेगा तो भैया ऑयल सर्फिस का आप, आप सामने आपको एक थोड़ा मतलब फ्लेम देखने को मिल सकता है और फायर पॉइंट में तो भैया पाँच सेकंड के लिए फ्लेम दिखेगा लेकिन अगर इससे टेम्परेचर कम रहेगा तो भैया आपको कोई टेंशन मतलब उस फ्यूल को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है वहाँ पे एक पॉवर पॉइंट आता है पावर पॉइंट क्या होता है इज़ द टेम्परेचर बिलो विच द एंटायर मास ऑफ द फ्यूल जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड टुगेदर ठीक है फ्रीज एंड दस कॉज फ्लो ऑफ फ्यूल इम्पोसिबल मतलब पॉवर पॉइंट के नीचे अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो भैया क्या हो जाएगा फ्यूल आपका फ्रीज कर जाएगा जहाँ पे इसकी जो फ्लो वाली जो टेंडेंसी होती है ये ख़त्म हो जाएगी ठीक है तो आई होप अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो भैया आपको वीडियो मतलब अच्छा तो लगा ही होगा तो इसको लाइक कर देना ये यूनिट वन में एटीन मार्क्स आपका है ठीक है अगर आपको यूनिट नंबर टू चाहिए तो भैया कमेंट करोगे तभी बताऊँगा और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर मान लो वीडियो अपलोड करूँ मैं तो भैया आपको टाइम पे क्या हो नोटिफिकेशन मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो